Hi there. If you are watching this video, kindly subscribe to my channel Dear Gaurav Sir. Hit the bell icon so that you remain informed for every new lecture uploaded. Also do like, comment and share the videos as it will encourage and motivate me to prepare more lectures for you. Shortcuts and tricks की ये पहली क्लास है. इसमें मैं आपको अलग अलग वेज बताऊँगा जिससे हम अपनी कैलकुलेशंस को बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. इसमें मैं इंक्लूड करूंगा वैदिक मैथ्स भी, ठीक है, थोड़ी सी कॉमन सेंस और बहुत सारे ट्रिक्स. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले शॉर्टकट से. वो है, बहुत ही सिंपल है एंड मोस्ट ऑफ द किड्स इनको ये ऑलरेडी पता होता है, मल्टीप्लिकेशन विद 5. अगर कोई भी नंबर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करना है, ठीक है. सपोज करो आपके पास है 24, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ. ठीक है, देखने में बहुत इजी है भी इजी, ठीक है, सीधा भी कर सकते हो. बट मैं मुझे क्या करना है, जब भी मल्टीप्लिकेशन विद 5 आया तो जो भी नंबर मेरे पास है इसको मैंने हाफ करना शुरू कर देना है. ठीक है, तो इसको मैं हाफ करता हूँ. जैसे 2 का हाफ क्या हो गया 1, 4 का हाफ क्या हो गया 2, आगे क्या लगाना है 0. तो आपके पास आंसर बन गया, ये मल्टीप्लिकेशन विद 5 होगी. इसी तरह से दो चार एग्जाम्पल्स और लेते हैं. जैसे 46 मल्टीप्लाइड बाई 5, 4 का हाफ क्या हो गया 2, 6 का क्या हाफ हो गया 3, आगे क्या लग गया 0, एज सिंपल एज डैट. ठीक है, थोड़ा सा लंबा नंबर ले लेते हैं, 2648 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 का हाफ क्या हो गया 1, 6 का हाफ क्या हो गया 3, 4 का हाफ क्या हो गया 2, 8 का हाफ क्या हो गया 4, लास्ट में क्या लग गया 0. ठीक है, सिंपल. अब हमारे पास, हमें यहाँ पर क्या करना आना चाहिए, हमें हाफ करने की कला आनी चाहिए. देखो, अगर आपके पास आ गया 36, ये मैंने अगर नोट किया होगा, अगर ये सारे हमने इवन नंबर्स लिए हैं, इनमें से कोई भी ऑड नंबर नहीं था, अब मैंने क्या किया, एक ऑड नंबर ले लिया. ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है और उसके साथ इवन नंबर है. ठीक है, तो अगर ये आ जाए आपकी मल्टीप्लिकेशन विद 5, तो कैसे करना है, तो 36 का हाफ देखना है. 3 का हाफ नहीं कर सकते, तो 36 का हाफ कर लो. 36 का हाफ कितना होता है 18, आगे क्या लगाना है 0. ठीक है, इस तरह से. तो बेसिकली आपको हाफ करना चाहिए और कुछ नहीं. जैसे मेरे पास है 2728 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 का हाफ क्या हो गया 1, 7 ऑड है तो इसको इवन बना लो 72 के साथ, क्या हो गया 36, 8 का हाफ क्या हो गया 4, आगे क्या लग गया 0, डैट इज़ इट. ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड नंबर ले लेते हैं. ठीक है, बस आपको हाफ करने का आना चाहिए कि हाफ कैसे करना है. 754 मल्टीप्लाइड बाय 5, अब देखो 7 है ऑड है, 75 भी ऑड है, 754 का आपको सीधा हाफ करना है. तो हाफ कैसे करना है इसका, तो हाफ करने के मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने करना मेंटली है. देखो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 700 है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 50 है, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 4 है. ठीक है, और इन सबको ऐड करके आपका क्या बन रहा है 754. इसी तरह से आपने मन में क्या करना है, 750 का हाफ कर लेना है, सॉरी 700 का हाफ कर लेना है 350, 50 का हाफ कर लेना है 25, 4 का हाफ कर लेना है 2, और अब इन सबको ऐड कर देना है तो आपके पास 754 का हाफ आ जाएगा. ठीक है, तो ये बन जाएगा 3720 इस तरह से. तो और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. जैसे मेरे पास आ गया 5678 मल्टीप्लाइड बाय 5. अब जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए हमें उससे कोई डर नहीं, हमें सिर्फ हाफ करने के ऊपर कंसंट्रेट करना है. कैसे, 5 का हाफ नहीं, चलो 54 का हाफ करते हैं. 54 का हाफ क्या आ गया 27, नहीं आता हाफ तो वैसे करो 50 का हाफ 25, 4 का हाफ 2, 25 प्लस 2 27 आ गया, 6 का हाफ 3, 78 का हाफ करना है. ठीक है, 70 का हाफ 35, 8 का हाफ 4, ठीक है, 35 प्लस 4 39, तो ये बन गया 39. ये हो गया हाफ, आगे जीरो मत लगाना भूल जाना. अगर आपने सिर्फ हाफ करके रख दिया तो मल्टीप्लिकेशन विद 5 नहीं, वो डिवीजन विद 2 ही रह जानी है, तो लास्ट में जीरो लगाना ज़रूरी है. तो ये आपकी इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन 5 के साथ इतनी ईजीली आ जाती है. ठीक है, पर ये आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने जितने भी नंबर लिए हैं वो ओवरऑल इवन थे. ओवरऑल इवन का मतलब है उनका यूनिट प्लेस जो था वो हमेशा इवन आया. यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस कह लो, इस पे हमारा हमेशा जो डिजिट था इवन आया. अगर डिजिट आपका
यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे ऑड आ जाए तो कैसे करना है। जैसे मेरे पास है 3273 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब मेरे पास यहाँ पर वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, जो डिजिट है वो ऑड डिजिट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे नंबर को में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरह से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, अब ये बन गया ओवरऑल इवन नंबर बन गया, क्योंकि यूनिट प्लेस में या वंस प्लेस पे हमारे पास इवन नंबर है। अब हाफ करना शुरू कर दो, ठीक है। 3 का हाफ नहीं कर सकते, 32 का हाफ कितना होता है 16, लिख दिया। 7 का नहीं करते, 72 का कर लेते हैं 36। बिकॉज नंबर वॉज ऑड, यहाँ पर ओवरऑल नंबर जो है ये ऑड था, इसलिए लास्ट में हम 0 की जगह क्या लगाएंगे, 5 लगाएंगे। तो ये आपकी मल्टीप्लीकेशन विद 5 इस तरह से आ गई। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मेरे पास है 5489 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो मुझे यहाँ पर मन में सोचना है कि 9 की जगह क्या लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है। जो भी करूँगा 8 का हाफ करूँगा, 9 का नहीं हाफ करने वाला। 9 का वैसे भी जब हाफ करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा, जो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये 5 का नहीं कर सकते, 54 का हाफ क्या हो गया 27, 8 का हाफ क्या हो गया 4, फिर ये वाले 8 का हाफ क्या हो गया 4, क्योंकि नंबर और था लास्ट में क्या लगेगा 5, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो और प्रैक्टिस कर लेते हैं, 7327 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 7 ऑड है, 73 भी ऑड है, 732 इवन है। तो आपने क्या करना है, 700 का हाफ कर लो, डेट इज़ 350, मन में सोच लेना है। फिर 30 का हाफ 15, 2 का हाफ 1, फिर इन सबको ऐड अप कर दो तो आपके पास आ जाएगा 366 इस तरह से, ठीक है। 366 आ गया, फिर 8 का हाफ कर लेना है 4, ठीक है। अब 7 का हाफ नहीं करना, 7 से पहले वाले नंबर का हाफ करना है, डेट इज 6, 6 का हाफ क्या आ गया 3, लास्ट में क्या लगेगा 5, 5 क्यों लगा, क्योंकि नंबर ये वंस प्लेस पे क्या था, डिजिट ऑड डिजिट था। ये थोड़े से मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, 6 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ये अपने एंड पे इस मेथड के साथ ट्राई करके देखना है। इनमें से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, इनमें थोड़ा सा सोचने वाला काम है। हम एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें ये कुछ नंबर इस तरह से 7812 मल्टीप्लाइड बाय 5। देखो 7 का हाफ नहीं कर सकते, 78 का हाफ कर लेते हैं, 78 का हाफ होता है 39, ठीक है। अब 1 का नहीं कर सकते, 12 का करना है। अब यहाँ पर दिक्कत है, जितने डिजिट्स है उतने डिजिट्स इधर भी आने चाहिए। अगर मैंने 12 का हाफ किया तो 6 आ गया, तो 6 तो एक ही डिजिट है, पर मुझे यहाँ पर 2 फिल करने हैं, तो मैं 60 तो कर नहीं सकता, वो 60 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 06 फिल करूँगा, ये बन जाएगा 7812 का हाफ। उसके बाद लास्ट में क्या लगाना है, 0 लगाना है। तो ये जो दो केसेस हैं इसमें यही वाली चीज़ थोड़ी सी देखने वाली है, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ लगता, आपको फिर भी कहीं ना कहीं डाउट होता है, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने जो आंसर्स हैं वो लिख कर भेज सकते हो। तो हमने अभी किया वो तो था मल्टीप्लीकेशन विद 5 थी, अब मल्टीप्लीकेशन विद अगर आ जाए 25 आ जाए। सपोज करो मेरे पास 24 था और मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, तो मतलब इससे रिजल्ट क्या आ गया, मैंने 24 का हाफ किया 12, आगे लगा दिया 0 और फिर मल्टीप्लीकेशन हो गई 5 के साथ। फिर क्या करूँगा, फिर इसका हाफ करूँगा, 120 का हाफ हो गया 60, फिर आगे 0 लगा दूंगा, ठीक है। तो ये दो बारी हाफ करने वाला तरीका हो गया। तो आप अपने आप को स्ट्रिक्ट मत करना, जहाँ पर आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ, जहाँ पर जो चीज़ इस्तेमाल हो सकती है वैसे करो, ठीक है। वैसे रूल क्या है, अगर आपके पास 24 मल्टीप्लाइड बाई 5 आता है तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 25 आ रहा है, 25 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है उसको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड किया कितना आ गया 6, कोई रिमाइंडर नहीं है, ठीक है। पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 00 लग जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है, अगर आपने जो भी नंबर है उसको डिवाइड कर रहे हो 4 के साथ, फिर आपके पास रिमाइंडर्स आएंगे। अगर रिमाइंडर आ गया मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, अगर रिमाइंडर आ गया 0 मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आपने लास्ट में क्या लगाना है, 00, जैसे मैंने लगाया था इधर। अगर लास्ट रिमाइंडर आ गया 1 तो आपने लगाना है 25, अगर रिमाइंडर आ गया 2 तो आपने लगाना है 50, अगर रिमाइंडर आ गया 3 तो आपने लगाना है 75। अब आप कहोगे ये कहाँ से याद रखेंगे, बेसिकली क्या हो क्या रहा है, ये 25 इंटू रिमाइंडर है,
ये 25 इंटू मतलब रिमाइंडर ही है, सारी जो चीज़ें देखोगे 25 इंटू रिमाइंडर ही है, जो भी रिमाइंडर आता है उसको 25 के साथ मल्टीप्लाई करके लास्ट में लिखना है। हैविंग सेड सो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो मेरे पास है 37 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो 37 को मैंने 4 पे डिवाइड किया, 4 नाइन ज़ा 36, 36 आया। अब 36 जो है 37 से कितना कम है, 1, ठीक है। अगर 36 लिखूंगा तो माइनस करोगे तो 1 आ गया, तो 1 क्या आपका रिमाइंडर है। अब 1 रिमाइंडर है तो लास्ट में क्या लगेगा, 25, तो यहाँ पर क्या आ गया, 25 इस तरह से, ठीक है। 74 मल्टीप्लाइड बाय 25, इसको मैंने 4 पे डिवाइड किया, 4 वन ज़ा 4, ठीक है, तो 34 हो गया, 4 फोर एट ज़ा 32, रिमाइंडर आ गया 2। फाइनली जो रिमाइंडर आया वो कितना आ गया, 2, ठीक है। अब 2 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 50, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन विद 25 कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें कोई ऑड या इवन का चक्कर नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि इसमें जो डिवीजन हो रही है वो हो रही है 4 के साथ, 4 के बाद डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको आपने 25 के साथ मल्टीप्लाई करके लास्ट में एज इट इज़ रख देना है, ठीक है। लंबा नंबर ले लेते हैं, जैसे 36847 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो मैं क्या करूँगा, इसको 4 से डिवाइड करना शुरू कर दूँगा। 4 नाइन ज़ार 36, 4 टू ज़ार 8, 4 वन ज़ार 4, ठीक है, 4 ज़ीरो ज़ार 0, 4 फोर ज़ार 16, रिमाइंडर कितना आ गया, 1, और लास्ट में क्या लग गया, 25। आप प्लीज़ अपने एंड पे इसको ट्राई करते रहना, ठीक है। बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको अपने हाथ से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, डैट इज़ इट। 4 पे डिवाइड किया, 4 थ्री ज़ा 12, 25, 4 सिक्स ज़ा 24, 13, 4 थ्री ज़ा 12, रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो लास्ट में क्या लगा दूंगा मैं, 25। रिमाइंडर 1 पे मैं 25 लगा रहा हूँ। 7843 मल्टीप्लाइड बाई 25 इक्वल्स टू, दोबारा से, 4 वन ज़ा 4, 38, 4 नाइन ज़ा 36, 24, 4 सिक्स ज़ा 24, 4 ज़ीरो ज़ा 0, रिमाइंडर कितना आया, 3, 3 25 ज़ा 75, तो लास्ट में क्या लग गया, 75 लग गया, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं, 28997 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो ये बन जाएगा 4 7 28, 4 2 8 19, 4 4 16 37, 4 9 36, 1, लास्ट में क्या लग गया, 25 लग गया, ठीक है। लास्ट 4 8 6 5 मल्टीप्लाइड बाय 25, ठीक है। तो दोबारा से 4 2 8 18, 4 4 16 26, 4 6 ज़ा 24, 25, 4 6 ज़ा 24, ठीक है, 1 रिमाइंडर आ गया, तो लास्ट में क्या लगेगा, 25 लगेगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन विद जो 25 है टेक केयर कर सकते हो। अब हमने मल्टीप्लिकेशन विद 25 सीख लिया, तो ये मैं आपको 6 क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए अपने एंड पे। इनको इस रूल के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट आते हैं हम डिवीजन विद 5 एंड 25। पहले 5 के साथ डिवीजन देखते हैं। कोई भी नंबर है आपके पास, जैसे आपके पास है 37 डिवाइडेड बाय 5, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करने की जगह ऊपर वाले नंबर को डबल कर देना है, ठीक है। देखो हम मल्टीप्लिकेशन में हाफ कर रहे थे और डिवीजन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, मतलब डबल कर रहे हैं। तो 37 का डबल क्या होता है, डेट इज़ 74, और राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डबल करने का तरीका मैं आपको अभी थोड़ी देर तक बताऊंगा, बट आप अभी ये समझ लो कि ये वे आउट क्या है इसका। जैसे मैंने लिखा 525 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो डबल करना है आपको, और डबल हमेशा किधर से होता है, आपका राइट हैंड साइड से होता है, राइट टू लेफ्ट, ये याद रखना, डबल आपने राइट टू लेफ्ट करना है। जैसे मुझे 5 का डबल 10 है, 2 का डबल 4 है, 5 का डबल 10, इस तरह से करना चाहते हो वैसे कर लो, या 25 का डबल सीधा लिख लो 50, फिर 5 का डबल लिख लो 10, लास्ट में एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है। और ये चीज़ याद रखनी है, जैसे मैंने दो डिजिट्स उठाए
तो डबल जो भी आएगा, 3 डिजिट का भी हो गया, तब भी हमें 2 डिजिट ही फिल करनी है, ठीक है। जैसे हमारे पास आ गया 7289 / 5, मुझे डबल करना है। 89 का डबल करना चाहते हो, 89 का कर लो, 9 का डबल करना चाहते हो, उसका कर लो, ठीक है। जो भी करना है आपको उसमें ईज होना चाहिए। आपको मैं डबल करना सिखाऊंगा कि हम कैसे डबल कर सकते हैं। कम से कम दो दो डिजिट्स को तो डबल कर ही सकते हैं। 89 का डबल, या फिर आप सोच सकते हो 90 का डबल सोच सकते हो। 90 का डबल होता है 180। 89 का डबल क्या होगा? 178। तो यहाँ पर मैंने 178 कैसे लिखना है? देखो, 178 में से 2 डिजिट्स इधर आ जाएंगे, 78, और 1 जो है 1 कैरी कर जाएगा। इस तरह से मैंने पैर में लग दिया। अगला डिजिट है 2। 2 का डबल हो गया होता है 4। 4 + 1 5, ठीक है। फिर 7। 7 का डबल क्या होता है? 14। और लास्ट में हमने पॉइंट इधर लगाना है, ठीक है, एक ही डिजिट छोड़ के। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 1457.8, ठीक है। इस तरह से आपके पास कोई भी बड़ा नंबर आ जाए उसकी तो अब टेंशन नहीं है। जैसे 836/5, 6 का डबल कर लो या 36 का डबल कर लो। 36 का डबल होता है 72, 8 का डबल होता है 16, और लास्ट से एक डिजिट, राइट से एक डिजिट छोड़ के आपने लगा देना पॉइंट, ठीक है। तो ये है आपकी डिवीजन विद 5। अभी हम सीखेंगे डिवीजन विद 25, वो भी कुछ इसी तरह से ही है, बस 2 बार ही आपको डबल करना है। जैसे यही क्वेश्चंस अगर मैं ले लेता हूँ, 37/25, तो क्या होगा? 37 को या तो 2 बार ही डबल कर दो, या 37 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको सही लगे। देखो, मैंने एक बार इसको डबल किया तो 74 आ गया। दूसरी बार मैंने जब इसको डबल किया तो 148 आ गया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 148। डिवीजन विद 5 में एक डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगाया था, इसमें 2 डिजिट छोड़ के मुझे पॉइंट लगाना है, इस तरह से, ठीक है। ये 525/5 था। एक बार ही डबल करते हैं तो आपके पास आ गया था, जैसे 25 का डबल किया तो 50, 5 का डबल किया तो 10। दूसरी बार डबल करेंगे, 50 का डबल क्या हो गया? 100, और 1 का डबल क्या हो गया? 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2100, और लास्ट के 2 डिजिट्स छोड़ के इस तरह से पॉइंट लगा देना है, ठीक है। 7289/25, सॉरी, ये 25 के साथ डिवीजन, ठीक है। एक बार आपने डबल किया था तो आपके पास आ गया था 14578, ये वाला नंबर आ गया था। दूसरी बार आप डबल करोगे तो इस दोबारा से वही डबल करना है। दो दो डिजिट्स उठा लो या एक एक डिजिट उठा लो, आपकी मर्जी है। मैं दो दो डिजिट उठा के करता हूँ। 78 का डबल क्या होगा? 80 का डबल अगर 160 है तो 78 का डबल होगा 156, ठीक है। तो मैंने क्या लिखना है? तो इसका जो डबल है 56, क्योंकि 2 डिजिट है तो ये 2 आएगा, एक कैरी कर जाएगा। 45 का डबल होता है 90, 90 + 1 91, ठीक है। 1 का डबल हो गया 2। अब पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 डिजिट छोड़ के। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा? 219.56। नेक्स्ट, 836/25, ठीक है। तो एक बारी डबल किया था, आपके पास आ गया था 1672। दूसरी बारी डबल करेंगे, 72 का डबल क्या होता है? 144, ठीक है। तो 44 ऐसे आएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 16 का डबल होता है 32, 32 + 1 33, तो पॉइंट लगेगा 2 डिजिट छोड़ के। तो आपके पास आंसर आ गया 33.44। इवन आप अगर डिवाइड करके देखते हो तो आपके पास यही आंसर्स आएंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप इसको ऊपर वाले को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अच्छा, आप दो दो डिजिट्स छोड़ दो 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 डिजिट्स को डबल करने में दिक्कत आ रही है तो एक एक डिजिट कर लो। जैसे 2 का डबल 4 हो गया, 7 का डबल क्या हो गया? 14, तो 1 कैरी हो गया। 6 का डबल हो गया 12 + 1 13, फिर 1 कैरी हो गया। 1 का डबल 2, 2 + 1 3, इस तरह से भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको डबल करना है तो राइट टू लेफ्ट जाना है, तो इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएंगे। अब आपने डिवीजन विद 5 और 25 समझ लिया। मैं थोड़े से क्वेश्चन दे देता हूँ, वो अपने एंड पे आप सॉल्व करके देख लेना। अब अभी आपको लग रहा होगा ये डबल करना थोड़ा और हाफ करना तो मुश्किल वाली बात है, उसकी भी टेंशन ना लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विद 5 और 25 ये डबल और हाफिंग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपको डबल और हाफ करने के भी तरीके बताऊंगा। अभी जो हमने 2 मेथड्स किए हैं, ठीक है, डिवीजन विद 5 और 25 पे, उसके बेस पे मैंने ये 9 क्वेश्चंस दिए हैं अपने एंड पे। इसको प्लीज़ अटेम्प्ट करके देखना, और जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से करके देखना, ठीक है।
तो आपको पता चलेगा कि भी वाकई में ये बहुत जल्दी आंसर्स निकल रहे हैं। अगर नहीं भी निकल रहोगे तो डिसहार्टन नहीं होना, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और एक ना एक दिन हम इस चीज़ के ऊपर एक्सपर्टीज ले ही लेंगे, ठीक है। इसमें ये फ़ायदा है जो कन्वेंशनल मैथ से ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इनिशियली बेशक इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा हो आपको, बट धीरे धीरे आप मेंटल मैथ्स करना शुरू कर देते हो। किसी भी चीज़ का डबल या हाफ करना जल्दी से कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर मेरे पास, मैं पहले उठाऊंगा डबलिंग का, अगर मेरे पास है कुछ इस तरह से नंबर 327 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब डबल करना है मुझे इसको, कैसे करूँगा? तो आपने इसको ब्रेक कर लेना है, ठीक है। कैसे इसको ब्रेक कर लेना है, 300, 3 का प्लेस वैल्यू, फिर 2 का प्लेस वैल्यू और 7 का प्लेस वैल्यू, और तीनों को डबल कर लेना है। तीनों को डबल कैसे करना है, 300 का डबल क्या हो गया 600, 20 का डबल क्या हो गया 40, और 7 का डबल क्या हो गया 14। तो जैसे ये तीनों को ऐड करके आपका 327 बन रहा है, ठीक है। इन तीनों को ऐड करके 327 का डबल बन जाएगा, वो हो जाएगा आपका 354, कुछ इस तरह से, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये 27 का डबल हमें झट से आता होता है, ठीक है। तो अगर 27 का डबल झट से आता है तो हम 54 लिख सकते हैं, और 3 का डबल 6, इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर नहीं आ रहा कि कॉम्प्लिकेटेड है कोई क्वेश्चन, तो जैसे 878 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका डबल करना है मुझे, ठीक है। सोचना कैसे है कि भाई 8 का जो डबल है वो है मेरा 16, 800 का डबल क्या हो गया 1600, तो 1600 में कुछ ऐड होगा, क्या ऐड होगा, 70 का डबल, क्योंकि ये क्या है 800 प्लस 70 प्लस 8, तो मेरे पास 800 का डबल आ गया, प्लस 70 का डबल क्या हो गया 140, ठीक है, प्लस 8 का डबल क्या हो गया 16, इन तीनों को ऐड किया तो आपके पास आ गया 1756, कुछ इस तरह से, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं सोचने के। अभी इसी क्वेश्चन को अगर मुझे और तरीके से सोचना हो तो कैसे सोचता हूँ, 878 है मल्टीप्लाई बाय 2, तो 78 का डबल मैं देखूँगा, वो कैसे, देखो 78 जो है अगर उसका मुझे डबल देखना है तो मैं 80 का डबल देख लूँगा, ठीक है। 80 का डबल कितना होता है 160, ठीक है। अब 80 जो है 78 से दो गुना, सॉरी टू डिजिट्स ज़्यादा है, ठीक है। 80 में अगर 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 78, तो 160 में 2 का डबल 4 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 78 का डबल, मतलब 156, कुछ इस तरह से। मतलब मैंने 80 लिखा और माइनस 2 किया तो मेरे पास आ गया 78, 80 का डबल 160, 2 का डबल 4, इसको माइनस किया तो मेरे पास आ गया 156, जो कि है 78 का डबल, इस तरह से, ठीक है। तो आपको जो भी है आपने मन में कैलकुलेशन करके देखनी है, ठीक है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए, लिखने में बहुत ज़्यादा लगता है, पर जब हम सोचने पे आते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं होता। एक बार 78 का डबल आ गया, डेट इज़ 156, क्योंकि 78 दो डिजिट कवर कर रहा है, यहाँ पर भी दो डिजिट लिखूंगा, 1 आपका कैरी कर जाएगा। 8 का डबल क्या हो गया 16 प्लस 1 70, तो इसका डबल क्या आ गया 1756 आ गया, ठीक है। इस तरह से कोई भी नंबर ले लो, जैसे मेरे पास है 9549, उसका डबल करना है। अब 49 का डबल करना है, उसके लिए मैं 50 का डबल सोच लूँगा। देखो 50 और 49 में क्या फ़र्क है, 50 माइनस 1 क्या होता है 49 होता है, तो 50 का डबल 100, 1 का डबल 2, तो अगर मैंने 100 में से 2 निकाल दिए क्या आ गया 98, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा 49 का डबल आ जाएगा। तो ये मैंने चीज़ दिमाग में सोच लेनी है कि भाई ये 50 से एक कम है तो ये 50 के डबल से दो कम होगा, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 98, दो डिजिट्स, इधर भी दो डिजिट्स हैं तो चलो कोई कैरी नहीं। अब 95 का डबल, 95 का डबल कैसे होगा, आप सकते हो 90 का डबल प्लस 5 का डबल, या 100 के डबल में से 5 का डबल आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इस तरह से। ये 100 है, 100 में से मैंने माइनस 5 किया तो मेरे पास आ गया 95, तो 100 का डबल होता है 200, ठीक है। उसमें से डबल मैंने डबल ऑफ 5 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया 190, तो ये किसका डबल हो गया 95 का डबल हो गया, तो इस तरह से यहाँ पर मैंने लिख दिया 190, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो उसको ब्रेक करके उसको डबल आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जो नंबर आया 19098, वो बेसिकली इसका डबल है। नाउ प्रैक्टिस टाइम, आपने डबल करना सीख लिया, तो ये मैंने 9 क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, इसको आप अपने एंड पे एक बारी नोट डाउन कर लो और इसी तरीके से डबल करने की कोशिश करो। और प्लीज़ कोशिश करना
मेंटल मैथ्स करने की, ठीक है, उसको बार बार लिख के मत करना, तो थोड़ा सा कोशिश करके देखना, एक बार ही मेंटली कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी, उसके बाद आप इसको क्या कहते हैं लिख कर भी कर सकते हो, ठीक है, जस्ट टू कंफर्म कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। ऐसे ही बहुत सारी जो वर्कशीट्स हैं मैं अपनी वेबसाइट www.freemathsvideos.com पे डालूंगा, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आप वर्कशीट्स उठा के इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको महसूस होगा और अपने आप में चेंज नज़र आएगा कि आपकी जो कैलकुलेशंस है वो सच में बहुत फास्ट होने लगी हैं। कंसेप्ट की बात करें तो हाविंग और डबलिंग ऑलमोस्ट कंसेप्ट के हिसाब से तो सेम ही है। मतलब कैसे, जैसे मेरे पास 36 डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने, तो मैं क्या करूँगा 36 को दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा, कैसे कि 30 और 6 का, ये इसी का 36 बना है। अब मैं क्या करूँगा 30 का हाफ ले लेता हूँ, 15 हो जाएगा, 6 का हाफ क्या हो गया 3 हो गया, अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास 36 का हाफ आ गया इस तरह से 18, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास अगर बड़े नंबर आ जाते हैं जैसे 6854 डिवाइडेड बाय 2, तो कैसे करोगे, तो आपने वैसे ही सोचना है, किस हिसाब से, देखो पहले तो 6 का हाफ क्या हो गया, डैट इज़ 3, ठीक है, 3 क्योंकि इवन नंबर है, हमें कोई परेशानी नहीं कह रही है। फिर हमें जब भी हाफ करना है तो इधर से स्टार्ट करना है, ये याद रखना, तो 3 है, कोई परेशानी नहीं है। 8 का हाफ क्या हो गया 4, अब 5 आ गया, 5 का हाफ करना मुश्किल है, तो 54 है ये पूरा नंबर, है ना, 54 का कैसे हाफ करोगे, तो 50 प्लस 4 सोच लो, ठीक है, 50 प्लस 4 डैट इज़ इक्वल टू 54, तो 50 का हाफ क्या हो गया 25, प्लस 4 का हाफ क्या हो गया 2, 25 प्लस 2 कितना हो गया 27, तो 54 का हाफ क्या हो गया 27, इस तरह से आपके पास कोई नंबर इस तरह से आ जाए 7984 डिवाइडेड बाय 2, कैसे करोगे, ठीक है, अब 7 का हाफ नहीं हो सकता, 79 भी आपका क्या है ऑड आ गया, 798 जाके आपका इवन बनता है। अब देखो 798 जो है नियरेस्ट ज़ीरो, देखो किस में इसकी एंडिंग विद ज़ीरो किस में आ जाती है, देखो 790 पे भी आती है, बट 798 में मैं यूज़ करूँगा 800 में से अगर मैंने दो माइनस किए तो मेरे पास 798 आया। 800 का हाफ कितना होता है 400, 2 का हाफ कितना होता है 1, इसको मैंने हाफ किया तो कितना आ जाएगा 399, मतलब सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा 399, मतलब 798 का हाफ क्या हो गया 399, तो ये आपके पास 798 का हाफ आ गया 399, आगे 4 का हाफ क्या आ गया 2, तो ये बन गया 7984 का हाफ 3992। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मेरे पास 538 का हाफ करना है मुझे, 5 ऑड है, 53 ऑड है, 538 मेरे पास इवन बन रहा है। अब तो नियरेस्ट ज़ीरो कौन सी देखेंगे, देखो मैं इसमें 500 प्लस 30 प्लस 8 ये वाला काम कर सकता हूँ, तीनों को हाफ करके ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, पर करना मन में है, ठीक है, या फिर मैं इसको इस तरह से सोच सकता हूँ 540 माइनस 2, तब भी मेरे पास 538 बन रहा है, और 540 का जो हाफ है वो कितना होता है 270 होता है, अगर 540 का हाफ निकालना है 54 का हाफ निकालने के बराबर है, ठीक है, 54 का हाफ निकालना है वो क्या है 50 प्लस 4 का हाफ जो हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है, तो ये आ गया 270, 2 का हाफ क्या हो गया 1, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया 269, तो ये मेरे पास आ गया 538 का हाफ, डैट इज़ इक्वल टू 269, इस तरह से। और देखते हैं अगर मेरे पास आ गया 878 का हाफ आ गया डिवाइडेड बाय 2 इस तरह से, तो कैसे करेंगे, 8 का हाफ इजी है, डैट इज़ 4, 7 कहा नहीं, 78 का हाफ क्या हो जाएगा, डैट विल बी 80 का हाफ करेंगे तो 40, 78 का हाफ हो जाएगा 39, डैट इज़ इट, ठीक है। अगर आपके पास आ जाता है 878 की जगह 877 आ गया, ऑड नंबर का हाफ क्या होगा, ठीक है, इस केसेस में क्या करना है आपको, आपको एक सब्ट्रैक्ट कर देना है यहाँ से, 877 की जगह आपने 876 लिख लेना है, ठीक है, अब इसको हाफ कर दो, 8 का हाफ क्या हो गया 4, 76 का हाफ अगर ढूंढना है तो 70 प्लस 6 का हाफ कर लो, ठीक है, डैट कम्स आउट टू बी 38, इस तरह से, ठीक है, बट ये जो हाफ हुआ है वो 876 का हुआ है, 877 का हाफ नहीं हुआ, तो 877 का हाफ क्या होगा 0.5 लगाना पड़ेगा आपको, बस इस तरह से इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपके पास है 1364
9 का हाफ करना है आपको, ठीक है। कैसे करोगे? अब देखो ये नंबर जो है 1369, इसको आप कैसे सोच सकते हो? ये 136 सोच सकते हो, है ना। अब 136 को कैसे सोच सकते हो आप? 100 प्लस 36 या 30 प्लस 6, इस तरह से सोच सकते हो। तीनों को हाफ किया, 50 प्लस 15 प्लस 3, डैट कम्स आउट टू बी 68। तो 136 का जो हाफ है डैट इज़ इक्वल टू 68, ठीक है। अब 9 का हाफ नहीं होगा, 9 से पहला वाला जो नंबर है क्या है 8, उसका हाफ हो जाएगा डैट इज़ 4। आगे क्या लगेगा? 0.5, क्योंकि हमें ऑड नंबर का हाफ करना था। तो इस तरह से आपको हाफ करने हैं, ठीक है। और टेकिंग केयर की भी उन चीज़ों को आपने किस तरह से ब्रेक करना है, आप माइनस करके भी ब्रेक कर सकते हो या ऐड करके भी ब्रेक कर सकते हो। अपने कंसेप्ट को समझ लिया, उसी कंसेप्ट के ऊपर ये अब एक्सरसाइज करके देख लो। छोटी सी एक्सरसाइज है 6 क्वेश्चनों की, ठीक है। ये पॉज करके वीडियो, इन सब क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो। और अगेन आई विल से कि इनको सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मेंटल मैथ्स का यूज़ करने हैं, ठीक है। बेशक बाद में आप लिख कर इनकी वैल्यूज़ निकाल लेना, चेक करने के लिए जो आपने वैल्यूज़ निकालनी है सही है या गलत है।